ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में दो तब्दीलियां, शाहीन अफरीदी और इमामुल हक ड्रॉप। साइम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे, साजिद खान भी फाइनल 11 का हिस्सा। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, पिशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। हुक्म इम्तना में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, वकील के दलाल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ता हयात या 5 साल, जवाब अदालती नजीर को माना जाएगा या फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट को। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिसेस जारी कर रखे हैं। कागजाती नामजदगी मुसरत होने के खिलाफ अपीलों का दूसरा रोज, उम्मीदवार कल तक अपील दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 11 जनवरी तक फैसले सुनाएंगे। भारत की फंडिंग से चलने वाली मुसल्ला तंजीमें मुल्क तोड़ना चाहती हैं। ये 1971 नहीं, ना ही कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म की खरी खरी बातें, बोले 90,000 लोग कत्ल हो गए, 9 मुल्ज़िमान को सजा नहीं हुई। एहतजाज का हक तस्लीम, लवायकीन की दहशतगर्दी नहीं मानते, 2 डंडों से इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो दहशतगर्दों को हक पर समझता है उनके कैंपों में चला जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सिक्योरिटी संजीदा मसला है, पुरम इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। अफवाज और दिफाई इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, सेनेट में मुजम्मदी करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देने और अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहली की सिफारिश। पेशावर पुलिस ने थाना रैगी पर हमला नाकाम बना दिया, अहलकारों की बर वक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तादाद 8 से 10 थी, जो पुलिस स्टेशन पर हमले के लिए पोजीशन ढूंढ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में दो तब्दीलियां, शाहीन अफरीदी और इमामुल हक ड्रॉप। साइम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे, साजिद खान भी फाइनल 11 का हिस्सा। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, पिशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। हुक्म इम्तना में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, वकील के दलाल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ता हयात या 5 साल, जवाब अदालती नजीर को माना जाएगा या फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट को। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिसेस जारी कर रखे हैं। कागजाती नामजदगी मुसरत होने के खिलाफ अपीलों का दूसरा रोज, उम्मीदवार कल तक अपील दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 11 जनवरी तक फैसले सुनाएंगे। भारत की फंडिंग से चलने वाली मुसल्ला तंजीमें मुल्क तोड़ना चाहती हैं। ये 1971 नहीं, ना ही कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म की खरी खरी बातें, बोले 90,000 लोग कत्ल हो गए, 9 मुल्ज़िमान को सजा नहीं हुई। एहतजाज का हक तस्लीम, लवायकीन की दहशतगर्दी नहीं मानते, 2 डंडों से इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो दहशतगर्दों को हक पर समझता है उनके कैंपों में चला जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सिक्योरिटी संजीदा मसला है, पुरम इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। अफवाज और दिफाई इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, सेनेट में मुजम्मदी करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देने और अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहली की सिफारिश। पेशावर पुलिस ने थाना रैगी पर हमला नाकाम बना दिया, अहलकारों की बर वक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तादाद 8 से 10 थी, जो पुलिस स्टेशन पर हमले के लिए पोजीशन ढूंढ रहे थे। और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अहमदपुर शरखिया में धुंध के बायस हादसा, बस उलटने से 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी।